देखिए क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं हम, एक्सरसाइज 9.1। इसमें लिखा है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस प्रकार से मुड़ जाता है कि पेड़ का ऊपरी सिरा जमीन को छूने लगता है। बहुत बार हम देखते हैं, जैसे मान लिया जाए एक पेड़ की कल्पना करते हैं हम, ये एक पेड़ था, ठीक है। पहले आपको हमेशा क्वेश्चन को पढ़ते हुए डायग्राम को रेडी करना है। तो इसने कहा था कि एक पेड़ है, ठीक है, एक पेड़ है ए बी, और ये आंधी तूफान के कारण टूट जाता है, हो सकता है या पॉइंट सी से टूट गया है। आगे पढ़ते हैं हम, इस प्रकार से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। पेड़ का जो शिखर था अब वो टूट गया यहाँ से सी पॉइंट से, तो ये जमीन को छूता है, यानी कि हो सकता है ये यहाँ आकर के इसको छू रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ से पेड़ टूट गया। ये देखिए आप, यही पॉइंट ए मैंने यहाँ बनाया है, मीन्स आपका ये जो एसी पार्ट है, ये वाला एसी पार्ट यहाँ लिया है, ठीक है। मीन्स ये पार्ट और ये पार्ट कैसा है, इक्वल है। अब आप कह सकते हैं आगे क्या बोला इसने, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ का जो पाद बिंदु था, पेड़ का पाद बिंदु मीन्स ये, और जमीन को जो छूता है ऊपर का सिरा, इसकी जो दूरी है वो 8 मीटर है, और साथ में 30 डिग्री का कोण बनता है। ये आपका कोण कितना दे रखा है, 30 डिग्री। तो आपको बताना है कि पेड़ की ऊंचाई कितनी है, ठीक है। ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30, ठीक है। स्टॉर्म से ये एक ट्री टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, तो लेट फ्रॉम पॉइंट सी इट ब्रेक्स, और ये टच करता है पॉइंट ए को टच करता है, तो और जो एंगल दे रखा है ए पर वो है 30 डिग्री का, देन वी हैव टू फाइंड कंप्लीट हाइट ऑफ द ट्री, तब आपको पूरे पेड़ की ऊंचाई बताना है। अब आपको बताएं कि ये जो पार्ट था यही आपका ये वाला है, मीन्स पूरा पेड़ ए से ला करके बी तक अगर प्राप्त करना है तो निश्चित रूप से आपको ये और ये पार्ट दोनों सेम है, तो आप ये फाइंड कर लें, ये फाइंड कर लें और दोनों को फिर प्लस कर दें, तो लेट इट इज़ एच, और ये ले लेते हम एक्स, और अगर ये एक्स है तो ये भी कितना हुआ, एक्स हुआ। अब हम पूरे क्वेश्चन को करते देखिए, आप यहाँ से चलते तो इसका जो डिस्क्रिप्शन है, वर्णन है, वो आपको ऐसे कर देना है कि माना कि ए भी एक पेड़ था जो बिंदु सी से टूट करके जमीन के बिंदु ए को क्या करता है, स्पर्श करता है, और साथ में ये जो बिंदु ए है इस पर जो कोण दे रखा है वो 30 डिग्री का है, और पेड़ के पाद बिंदु से इसकी दूरी दे रखी 8 मीटर। तो अब आप इसमें बहुत सारे ऑप्शन से देखिए, राइट एंगल है, अगर हम इसको अज्ञात राशि और इसको ज्ञात मानते हैं तो ये लंब और ये आधार है, आप लंब बटे आधार से टेन का फार्मूला सबसे बढ़िया रहेगा, यानी आप त्रिभुज ए बी सी लेंगे, इन ट्रेंगल ए बी सी टेन थर्टी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि ए बी सी अपॉन में आ जाएगा ए बी। टेन थर्टी का वैल्यू होता है 1/√3 इक्वल्स टू बी सी का वैल्यू है एच, और अपॉन में ए बी मीन्स 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे h√3 इक्वल्स टू 8, देयर फॉर एच इक्वल्स टू 8/√3। ये आपने एच यानी कि जो हाइट अभी पेड़ की हेड फिलहाल दिख रही है वहाँ, चूँकि ये पार्ट तो ऊपर गिर चुका है, नीचे आ गया, इसलिए जो पार्ट वहाँ पर हैं उसकी हाइट कितनी आ चुकी है, 8/√3। अब हम चाहते तो इसकी मदद लेकर कि ये फार्मूला बना सकते हैं, क्योंकि ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूस, ये लंब है और ये कर्ण है। लंब और कर्ण में कौन सा संबंध होता है, लाल कक्का से अगर देखें तो साइन का फार्मूला अप्लाई होता है, साइन भी लगा सकते हैं। अगर ये आधार है और ये कर्ण है तो आप कास भी लगा सकते हैं। तो मान लीजिए हम कास का फार्मूला फिर से लगाते हैं, पुनः त्रिभुज ए बी सी में क्यों लगा रहे हैं, आपको बता रहा है एच का वैल्यू निकाला हमने, अब किसका वैल्यू निकालना है, एक्स का। अगर एच और एक्स दोनों आ जाएंगे तो एच और एक्स दोनों मिलकर के ही आपका कंप्लीट हाइट ऑफ द ट्री का आंसर आएगा। तो त्रिभुज ए बी सी में फिर से चलते हैं हम, कॉस 30 का वैल्यू, कॉस 30 इक्वल्स टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, मतलब आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार कितना इस बार ए बी और कर्ण है आपके पास ए सी। कास्ट होता है, कास्ट 30 इक्वल्स टू होता है √3/2 इक्वल्स टू ए बी, ए बी का वैल्यू हमारे पास 8 और ए सी का वैल्यू है एक्स,
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू रूट थ्री इक्वल्स टू 16, और इसलिए x का वैल्यू हो गया आपका 16 अपॉन रूट थ्री मीटर। ये देखिए आप x भी आ गया और साथ में h भी आ गया। आपको कंप्लीट हाइट ऑफ द ट्री अगर बताना है तो टोटल हाइट हम कहेंगे, टोटल हाइट ऑफ द ट्री यानी कि कुल पेड़ की ऊंचाई या पेड़ की कुल ऊंचाई, पेड़ की कुल ऊंचाई ये हो जाएगी h प्लस एक्स। एच का वैल्यू अभी आया था हमारे पास 8 अपॉन रूट थ्री, और ये आया है आपका x का वैल्यू 16 अपॉन रूट थ्री। रूट थ्री हो जाएगा एलसीएम, जब कभी रूट मतलब दोनों एलसीएम में दोनों नंबर अगर सेम हो तो आपको एलसीएम निकालने की ज़रूरत नहीं रहती, सेम लिख सकते हैं, और आपको ईच अदर भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं रहती, दोनों प्लस हो जाते हैं। मीन्स आपका आंसर हो गया 24 अपॉन, तो रूट थ्री का मल्टीप्लाई रूट थ्री का डिवाइड मतलब रैशनलाइजेशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका अगली स्टेप में आंसर। अगर और हम थोड़ा सा देखें तो ये ऐसा हो सकता है 24 अपॉन रूट थ्री, और इसमें रूट थ्री का मल्टीप्लाई रूट थ्री का डिवाइड करेंगे, 24 रूट थ्री अपॉन थ्री यानी हो जाएगा 8 रूट थ्री मीटर, मतलब कंप्लीट हाइट ऑफ द ट्री, पूरे पेड़ की जो ऊंचाई थी पहले से वो थी 8 रूट तीन मीटर। ओके, ये अच्छे क्वेश्चन है, सिंगल एंगल होते हुए दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, और ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है तो आपको निश्चित रूप से समझ में आ गया होगा। एक बार और थोड़ी सी समरी के रूप में बताता हूँ, पूरा पेड़ ए बी था जो बिंदु सी से टूट करके भूमि के बिंदु ए को क्या करता है, टच करता है। ए इसीलिए डबल नाम लिया है कि ये वाला पॉइंट आपका अब यहाँ आ चुका है, मीन्स ये जो ए सी पार्ट है वही ए सी पार्ट यहाँ है, ठीक है, काल्पनिक रूप से आप मान सकते हैं। यानी अगर आपको पूरा पेड़ निकालना है तो h और x निकालना, ये x मैंने यहाँ लिया है, तो आप इस कंप्लीट वैल्यू को निकालने के लिए क्या करेंगे, ये 8 दे रखा था, ये 30, तो पहले मैंने 10 का फॉर्मूला लगाया, 10 से हमने वैल्यू निकाली किसकी, h की। उसके बाद फिर से इसी ट्रायंगल में आप साइन भी लगा सकते थे, कास भी लगा सकते थे, पाइथागोरस से भी कर सकते थे, तो मैंने यहाँ पर कास का यूज़ किया, शायद ज़्यादा बेटर हुआ है। तो कास का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये कास 30 का वैल्यू इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए सी, मीन्स एक्स का वैल्यू इससे आया 16 अपॉन रूट थ्री, मतलब जो पेड़ का पार्ट जो ब्रेक हो गया था वो कितना हुआ 16 अपॉन रूट थ्री, और जो अभी एट प्रेजेंट है वो 8 अपॉन रूट थ्री, दोनों पार्ट को प्लस कर देंगे, यही आपका कंप्लीट हाइट ऑफ द ट्री आ जाएगा।